आज हम उर्दू की किताब का करेंगे सफ़ा नंबर 12। ये पेज के आखिर में आपको नज़र आ रहा होगा सफ़ा नंबर 12। सबसे पहले आपने यहाँ पर तारीख लिखनी है, फिर हम अलामतें देखेंगे। पेंसिल फेरिए, लिखिए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। आज हम जिस हर्फ की आवाज़ सीखेंगे वो है ट। ट ट के सर पर टोपी, ट के सर पर टोपी। अब हम देखेंगे ट से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। ट टेलीफोन, ट टमाटर, ट टोकरी। अब ये नीचे जो आपको छोटे छोटे से नुक्ते नज़र आ रहे हैं इनको मिलाकर हम बनाएंगे ट। ट के सर पर टोपी, ट ट के सर पर टोपी। इसी तरह से आपने ये पूरा पार्ट मुकम्मल करना है। फिर हम ये नीचे बड़े नुक्ते से शुरू करेंगे। नीचे लाइन के पास आए, थोड़ा सा गोल किया, थोड़ा सा ऊपर, ट के सर पर टोपी। आगे भी आपने बड़े नुकात पर इसी तरह से लिखना है। अब हम उसे अगले सभी पर आ जाएंगे। यहाँ पर भी आपने सबसे पहले तारीख लिखनी है, फिर यहाँ पर अलामतें देखेंगे। मिलाइए, रंग भरिए, ट की चीज़ों से मिलाइए। यहाँ पर ट लिखा हुआ है, ट के सर पर टोपी, ट के सर पर टोपी। अब जो चीज़ें यहाँ पर ट से शुरू हो रही हैं उनको हम ट के साथ मिला देंगे। सबसे पहले क्या है, टोपी। टोपी किससे बन रही है, ट से, इसको हम ट के साथ मिला देंगे। बोतल, बोतल की शुरू की आवाज़ ब है तो हम इसको ट के साथ नहीं मिलाएंगे। टेलीविजन, टेलीविजन की शुरू की आवाज़ ट, ट टेलीविजन तो हम इसको किसके साथ मिलाएंगे, ट के साथ। ट्रक, ट्रक की भी शुरू की आवाज़ क्या है, ट, इसको भी हम ट के साथ मिला देंगे। चाबी, चाबी की शुरू की आवाज़ ट है नहीं तो हम इसको ट के साथ नहीं मिलाएंगे। अब हम उसे अगला सफ़ा करेंगे, सफ़ा नंबर 14। यहाँ पर भी आप सबसे पहले तारीख लिखेंगे, फिर अलामतें देखें, दायरा लगाइए, पेंसिल फेरिए, लिखिए, दायरा लगाइए और लिखिए। ट कर रहे थे तो हम ट की चीज़ों के ही गिर्द दायरा लगाएंगे। सबसे पहले क्या है, टेलीफोन, टेलीफोन की शुरू की आवाज़ ट है तो हम इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। इसके बाद बस, बस की शुरू की आवाज़ ट नहीं है तो हम इसके गिर्द दायरा नहीं लगाएंगे। टाफ़ी, टाफ़ी की शुरू की आवाज़ ट है तो हम इसके भी गिर्द दायरा लगा देंगे। चाबी, चाबी की शुरू की आवाज़ ट है नहीं तो हम इसके भी गिर्द दायरा नहीं लगाएंगे। टोकरी, इसके भी गिर्द दायरा लगा देंगे। अब ये नीचे हम पेंसिल फेर के लिखेंगे, ट, ट के सर पर टोपी, ट, ट के सर पर टोपी, ट, ट के सर पर टोपी। इसी तरह से ये हिस्सा मुकम्मल करने के बाद आपने इन सब के ऊपर पेंसिल फेरनी है, गंदा काम बिल्कुल नहीं करना। फिर हम ये बड़े नुक्ते से शुरू करेंगे, जैसे हमने पीछे सीखा था, थोड़ा नीचे आए सीधा, थोड़ा सा गोल किया, फिर ऊपर, ट के सर पर टोपी। आपने इन नकात पे इसी तरह से बहुत प्यारा काम करना है, लाइन से नीचे बिल्कुल भी ना जाए और ना ही लाइन से ऊपर रहे। अब सफ़ा नंबर 15 पर देखें, यहाँ पर आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हम आपको देखेंगे कि आपने पीछे से कितना सीखा है। सबसे पहले यहाँ पर तारीख लिखें, फिर अलामतें देखें, लिखिए, रंग भरिए। यहाँ पर लाइन्स पर हम लिखेंगे और आपने इन तस्वीरों में रंग भरना है। शुरू की आवाज़ लिखिए, शुरू की आवाज़ लिखिए। सबसे पहले क्या बना हुआ है, बत्तख, बत्तख की शुरू की आवाज़ ब। इसी तरह से यहाँ पर हम सब की शुरू की आवाज़ लिखेंगे, ब बत्तख। तलवार, तलवार की शुरू की आवाज़ त, त के ऊपर दो नुक्ते। पंखा, पंखा की शुरू की आवाज़ प, प के नीचे तीन नुक्ते। टमाटर,
टमाटर की शुरू के वास ट, ट टमाटर। अब हम इन लाइंस पर कैसे लिखेंगे, ब बत है ना, तो हम यहाँ पर एक लाइन में तीन बार लिखेंगे ब ब ब, इसके नीचे ही आपने तीन बार ब लिखना है, फिर ये तलवार के साथ तीन बार त आ जाएगा दोनों लाइंस पे, फिर पंखा के साथ प पंखा प प प, नीचे भी तीन बार प आ जाएगा, टमाटर ट टमाटर ट ट ट ट ट ट, तीन बार लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, ज़्यादा तंग करके नहीं लिखना, थोड़ी सी दरमियान में जगह छोड़ कर लिखना है।